की बड़ी खबर। नए साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी। वैसे तो 2019 ने दस्तक दे दी है, पर अब भी कर्मचारियों को सरकार की ओर से सातवां वेतन को लेकर, सैलरी बढ़ाने को लेकर उद्घोषणा का इंतजार है। 2018 के दौरान वेतन वृद्धि, पेंशन और महंगाई भत्ते से संबंधित कई खबरें आई। किसी भी कर्मचारियों के खाते में नए साल में बढ़ा हुआ वेतन नहीं आया। सातवें वेतन आयोग के तहत उच्च वेतन और लाभों का इंतजार कर्मचारियों को अब भी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने हाल ही में विभिन्न स्तर के लगभग 4000 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा, एक विज्ञप्ति ने कहा कि केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS में कुल पदोन्नति की संख्या 1756 रही और केंद्र सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा CSS में यह 2235 रही है। पिछले कुछ दिनों में पदोन्नति अधिकारियों की कुल संख्या 3991 हो गई है, जो कि एक ऐतिहासिक संख्या है। रिलीज में कहा गया है कि इन दो सेवा वर्गों के इतने कम समय में पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि इन पदोन्नति में केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS में निदेशक 122, उप सचिव 340, अंडर सेक्रेटरी 300 और वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव सीनियर PPS लगभग 300, PPS 680 जैसे उच्च स्तर के पदे शामिल है। केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा CSS और अनुभाग अधिकारी SO, निजी सचिव PS और PA केंद्र सरकार की इन दो प्रमुख सेवाएं में निचले स्तर पर है। उधर सातवां वेतन के तहत सैलरी बढ़ोतरी को इंतजार कर रहे हैं लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है सरकार। सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर राजी हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को साल के अंत में खुशखबरी दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की सभी मांगों को मान लिया है। वेतन संशोधन से लेकर पुरानी पेंशन तक मांग मान ली है। इसे लेकर सर्कुलर तक जारी कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने सातवें वेतन की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंच गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS India आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए